ये आपको कोई नहीं देगा, पूरी यूट्यूब चैनल में ऐसा माहिती कोई नहीं देगा। इतना बड़ा सीट आता है, ये आपको 30 पैसे का स्टीकर पड़ेगा, देखिए। और FSA लाइसेंस आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो FSA लाइसेंस भी हम आपको निकलवा देंगे। वेलकम टू बंगला कॉर्पोरेशन कंपनी। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही जानकारी वाला वीडियो लेके आए और फ्री में जानकारी देंगे। कोई मुनाफा नहीं, कोई लॉस नहीं, एकदम फ्री में, क्योंकि हमारी कंपनी को 55 साल पूरा हुआ है और हमने सोचा कि पूरी इंडिया को हम मदद करते हैं। तो सो गाइस, आप बोटलिंग प्लांट मशीन लगा रहे हो, चला रहे हो, तो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों जी हाँ, बहुत सारे लोग कॉल करके बता रहे हैं मेरे को कि भाई हम मैंगो बनाते हैं, मैंगो ख़राब हो जाता है, 8-10-15 दिन में बदबू मारने लगता है और उसके अंदर गैस पैदा हो जाता है, CO2 जैसे, एकदम जैसे अब मैंगो पीते हैं तो उसमें गैस लग रहा है। तो वो भी हम आपको सॉल्व कर देंगे, उसका भी फॉर्मूला हम आपको देंगे, बराबर है। और दूसरा लीची में भी बोल रहे कि लीची ढीला हो जाता है, पानी जैसा बन रहा है, तो वो भी हम आपको देंगे, उसका भी रेसिपी हम आपको देंगे। तीसरा कि भाई हम सोडा भरते हैं प्लेन सोडा, तो थोड़े दिनों में सोडा प्लेन सोडा में से स्ट्रॉन्गनेस चला जाता है, तो उसका क्या रीज़न है वो भी हम आपको बताएं कि प्लेन सोडा के अंदर रीज़न ये होता है कि आप 400 ml का आपका बोतल जो रहता है वो 20 ग्राम का होना चाहिए, बराबर है। आप 10-20 पैसे के फायदे के लिए चालू बोतल यूज़ करोगे तो आपका सोडा में से स्ट्रॉन्ग चला जाएगा। तीसरा कि भाई ढक्कन हमको सही नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिनों के बाद वही प्रॉब्लम, तो ढक्कन जो रहता है एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, कौन सा ढक्कन यूज़ करना वो भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं ये ढक्कन कौन सा आता है, ब्रांडेड, मार्केट में अंदर केप बहुत मिल रहा है आपको, 10 पैसे का कहीं फ़ायदा हो रहा है, कहीं 15 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदे वाला काम मत करें। सस्ता कभी अच्छा नहीं होता है और अच्छा कभी सस्ता नहीं होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो केप मिलता है, केप वो क्या होता है, जब 44 डिग्री रहता है, 45 डिग्री रहता है, तब उसका जो प्लास्टिक है वो नरम हो जाता है। नरम होने से क्या होता है कि आपका जो प्लेन सोडा का स्ट्रॉन्गनेस है वो CO2 आपका उड़ जाता है, सोडा के बदले पानी हो जाता है, राइट। स्टिकर हम बना रहे हैं लेकिन स्टिकर हम फ्रिज में रखते हैं तो खुल जाता है और उसका जो इंक है वो नीचे प्लेन स्टिकर हो जाता है। तो इस तरह का जो बोतल का स्टिकर है आपको एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगना चाहिए, देखिए आप देख सकते हो। और स्टिकर कैसे बनाना, किस तरह लुक में बनाना, वो हम आपको गाइडलाइन देते हैं। ऊपर का जो स्टिकर है उसके ऊपर का जो आप स्टिकर बना रहे हो, तो ऊपर का जो पट्टी है ना वो ऊपर नीचे सिल्वर मारोगे ना तो एकदम लुकिड लगेगा, और बीच में आपका लोगो मारे और नीचे जीरा लिखे। तीसरा, कंटेंट का किसी को पता नहीं कि भाई जीरा के कंटेंट में क्या लिखा होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ये कंटेंट भी हम आपको देंगे, ये कंटेंट जो रहता है। तीसरा कि भाई आप डेट मार रहे हैं, मैन्युअली मार रहे हैं, मशीन से मार रहे, तो इतना जगह वाइट खाली रखें। और ये पूरे स्टिकर का फरमा चाहिए तो मैं फरमा भी आपको दूंगा, ये आपको कोई नहीं देगा, पूरी यूट्यूब चैनल में ऐसा माहिती कोई नहीं देगा। शुरू से वापिस बता दो, ऊपर नीचे सिल्वर पट्टी रखना है, बीच में लोगो मरना है, नीचे जीरा लिखना है, या कोई भी आपका क्लियर लेमन कुछ भी आप देख सकते हो माल पड़ा हुआ है। तीसरा, यहाँ पे कंटेंट लिखना है, जीरा सोडा और नीचे कंटेंट लिखना है, कंटेंट भी मैं आपको दूंगा, उसका फरमा दूंगा मैं आपको, और कोरल रो में चाहे तो कोरल रो में, CDR में चाहिए तो CDR में दूंगा। और तीसरा, यहाँ पे आपको डेट कोडिंग कोई मानना है तो इतना जगह आपको खाली रखना है ताकि आपका जो डेट है एक्सपायरी डेट है अच्छी तरह लगे। ये हो गया 12.5 ग्राम का बोतल जीरा का, और ये 400 ml का बोतल जो हो गया 20 ग्राम का 400 ml प्लेन सोडा। तीसरा, ये मैंगो का बोतल है, और मैंगो का बोतल में जो लुक होना चाहिए, जो स्लो होना चाहिए, स्लो, ये स्लो आप देख सकते हैं, ये स्लो क्या है कि मार्केट में अंदर बहुत सारे लोग स्लो बनाते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, मारने के बाद उसका लुक नहीं लगता है, तो उसका भी आपको एड्रेस हम आपको देंगे, भाई मेरे को स्लो बनाना है, वेब सीलर इसके मशीन वेब सीलर चाहिए या स्लो मशीन चाहिए, तो मशीन भी हर तरह की मशीन आपको हमारे पास से मिल जाएगा। तीसरा कि भाई इसके अंदर कंटेंट में क्या लिखना है, ऊपर मैंगो लिखना है, नीचे कंटेंट लिखना है, और यहाँ पे उसका सब इंग्रेडिएंट्स लिखना है, इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है उसका आपको फॉर्मा हम आपको देंगे हर तरह का, कि आपके पास बहुत सारे लोग सीधे जीरा लिख डालते हैं नीचे कुछ लिखते नहीं, तो पूरा लिखान जो रहता है कंटेंट है, इंग्रेडिएंट्स है, हर तरह का हम आपको देंगे। इस तरह आपको नीचे जगह रखना है, डेट कोडिंग का, मेकिंग एरिया निकला है, FSA नंबर मारना है,
FSA नंबर जरूरी है, बाकी कोई लाइसेंस का जरूर नहीं है। जीरा और बेवरेजेस लाइन के अंदर एक ही लाइसेंस अभी चाहिए अपने को, FSSI। और FSA लाइसेंस आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो FSA लाइसेंस भी हम आपको निकलवा देंगे। और स्लू बनाना, इस तरह का स्लू आपको मार्केट में 20 पैसे का पड़ रहा है, इसके अंदर आप डालोगे और हॉट गन से भी हो जाएगा, देखिए। और स्लू मशीन भी आता है, मशीन के अंदर आप डालोगे तो भी चिपक जाएगा। और मेरे पास दोनों है, स्लू भी लग जाएगा, इसका 24 का बंच बनाना है तो बंच भी साथ में बन जाएगा, वो मशीन है। और जो हम यूज़ करते हैं रोल फॉर्म में यूज़ करते हैं। और ये बात हुई ढक्कन की, ये ढक्कन जो हम यूज़ करते हैं ना, एक नंबर क्वालिटी का ढक्कन यूज़ करते हैं। और इसमें दो या तीन, ज़्यादा से ज़्यादा तीन कंपनी अच्छी है। और मार्केट में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए चीटर लोग ढक्कन बेच रहे हैं, लेकिन वो ढक्कन क्या होता है, फेल है, चलता नहीं है। ये गाइडलाइन जी अनुभव हम खुद करके बैठे हुए, हमारा तो खानदानी धंधा है। हमारे दादा जो थे वो सोडा ही बेच रहे थे, कोई दूसरा काम नहीं करते, सोडा बेचते बेचते ये मुकाम पे पहुँचे और ये ग्रोथ हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ये प्रगति हमने यहाँ से ही किया हुआ है। तो हमारा फर्ज बनता है आप लोगों को अच्छी सलाह देना, अच्छी गाइडलाइन देना। ढक्कन जो रहता है आप देखते हो मार्केट के अंदर कम बजट वाला मिलता है, लेकिन कम बजट वाला ज़रूर ना लें। ढक्कन नहीं मिल रहा है तो मेरे को कहीं से भी 5 पैसा 10 पैसा मुनाफा नहीं चाहिए, कमीशन नहीं चाहिए। मैं आपको जो एड्रेस रहेगा डायरेक्ट एड्रेस दे दूंगा कि भाई बाई काका जी का ये यूज़ करो, या दूसरी दो तीन कंपनियां हैं उसका यूज़ करो, वो सब एड्रेस मैं आपको दूंगा। और तीसरा हो गया स्टिकर का, तो मेरे पास जो हमारी मशीन के अंदर फैक्ट्री के अंदर मशीन लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक मशीन लगा हुआ है कि भाई बोतल रख दिया, स्टिकर लग गया, डेट कोडिंग बंच, डेट कोडिंग लग गया, बार कोड लग गया, सब लग गया। तो ये जो रोल फॉर्म में रहता है ना, वो 45 पैसे में पड़ता है रोल फॉर्म वाला, ये रोल के अंदर आता है। और आपको कम बजट में आपको हाथ से मर रहा है तो इस तरह का सीट आता है, इतना बड़ा सीट आता है, ये आपको 30 पैसे का स्टिकर पड़ेगा। अब देखिए लुक और डिजाइन देखिए, खाली आपको उसके ऊपर से पता चल जाएगा कि भाई मैं रियली आपको ओरिजिनली एक नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाया है। ये प्लेन सोडा का भी मैंने यहाँ पे मारा हूँ, मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। देखिए प्लेन सोडा में आपको जो स्टिकर बनाना है एकदम ब्लैक कलर का बनाना है, जो ब्लैक कलर का रहेगा ना तो आपका सोडा का जो बोतल है एक्टिव तो दिखेगा। और ऊपर का पट्टी यहाँ पे भी सिल्वर मारना है, नीचे पे भी सिल्वर मारना है, और कोला में भी इसी तरह करना है। मैं आपको प्लेन सोडा का बोतल बता रहा हूँ, देखिए ये ब्लैक की जगह आप कोई भी कलर मारोगे ना तो सोडा की बोतल का लुक नहीं आएगा, हमने सब ट्राई कर लिया है। देखिए थोड़ा आपको बड़ा स्टिकर करना है तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। और स्टिकर वाले की बात करें तो स्टिकर और डिजाइनर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर चीटर रहते हैं कि आप मेरे को 10,000 रुपये डालिए, मैं आपको डिजाइन बना देता हूँ, स्टिकर ये मैं बना देता हूँ। और काफ़ी सारे चीटर लोग ऐसे भी मार्केट में है कि आपने 1 लाख स्टिकर का ऑर्डर दिया तो तुम 1 लाख तो गिनने वाले नहीं हो, उसमें अंदर 10,000-20,000 कम स्टिकर डालते हैं। तो सो गाइड ऐसा काम ना करें, आप कहीं अटको तो आप टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है, मेरा पर्सनल नंबर भी आपको देता हूँ। कोई बिना स्वार्थ कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको बिना स्वार्थ बिना मुनाफा आपको मेरा पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, 9898430143 9898430143 मेरा पर्सनल नंबर है। आप कोई गाइडलाइन चाहिए हर तरह का गाइडलाइन मैं आपको दूंगा। फ्लेवर इम्पोर्टेंट है, मार्केट के अंदर आपका फ्लेवर का टेस्ट, खाने पीने का चीज़ कभी डाउन नहीं होता है। खाने पीने का जो बिजनेस है हर तरह का, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, बिजनेस चलता ही रहता है, लेकिन उसके लिए टेस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको कोई भी टेस्ट का फॉर्मूला चाहिए तो सो गए था मेरे को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। हर तरह का आपको जीरा में कौन सा एसेंट डालना है, मैंगो में कौन सा एसेंट डालना है, लीची में कौन सा एसेंट अच्छा रहेगा, और मैंगो को घट कैसे करना है, मैंगो ख़राब कैसे नहीं होगा, पूरा गाइडलाइन हम आपको देंगे। ये पूरा हमने आपको आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, पूरा जानकारी वाला वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे बोतल जमा के रखा हुआ है, ढक्कन जमा के रखा हुआ है, स्लू जमा के रखा हुआ है हमने, कि आपको पता चले बिजनेस कैसे करना है। स्टिकर, ढक्कन, केप, बोतल, सब तरह का मैंने आपको गाइडलाइन दे दिया। फ्लेवर का भी मैंने आपको गाइडलाइन दे दिया, सो गाइड पूरा मेरे पास जितना ताकत था वो दे दिया है। और आप कॉल कर सकते हो मेरे को कभी भी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और भी आपका कोई इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए,
काफ़ी सारे हमने स्टाफ टेलीकॉलर रखे हुए, पूरा जानकारी देंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग बंगला कॉरपोरेशन कंपनी गुजरात भावनगर। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है और आपकी दुआ से प्रगति कर रहा है और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे वीडियो आपको देखने मिलेगी। यहाँ आप देखो, ये हमने आपको फ्री में गाइडलाइन देने के लिए वीडियो बनाया हुआ है, कोई चीज़ बेचने के लिए वीडियो नहीं बनाया हुआ है कि भाई ये मेरे पास ये चीज़ ले लो, ये ले लो। कहीं पे भी कुछ भी तरह आप अटको तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मेरे को। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।